ईवीएम जब तक भारत के अंदर रहेगी, जब तक इस देश के जो मूल निवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं, वो सत्ता के नज़दीक नहीं आ सकते। और 26 तारीख को जिस तरीके से जंतर मंतर पर किसानों को रोका जा रहा है, उसी तरीके से आप देख लेना, आप भी यही होंगे, हम भी यही होंगे। 26 तारीख को यहाँ पे नहीं आने देंगे उन लोगों को, पूरा रोका जाएगा। क्योंकि इस बात का केंद्र सरकार को ये पता है कि अगर यहाँ पे लोग आ गए तो उसका संदेश देश की जनता में जाएगा, वो गांव गली तक पहुँचेगा और लोग जो है अपनी बात को रखेंगे। 26 तारीख को किसान अपनी बात कहने आ रहे हैं और बात कहने का हर किसी को हक है, लेकिन ये रोकने का कौन सा वो है? ये कोरोना का बहाना है ना इनको, ये कोरोना के बहाने बंद करे। मैं पहले भी एक दो बार ये बात कह चुका हूँ कि इस देश के अंदर कोई भी एक भी आदमी सरकार का नुमाइंदा हो, एक आदमी ये बता दे कि हमने रोड के ऊपर कोई डेड बॉडी पड़ी देखी, कोई कोरोना नहीं है। ये सब बिल्कुल झूठी अफवाहें हैं। अगर कोरोना है तो यही इसी जंतर मंतर के ऊपर यहाँ पर 300 लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि आप बताइए कहाँ है, कौन सी बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल एक खांसी जुकाम होता है वही है। और इसी को लेकर के ना ये पूरे देश के जो मजदूर और किसान हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको जो है ना गुलाम बनाने के एक षड्यंत्र है, चाहे वो ईवीएम के माध्यम हो। और एक चीज़ और मैं बताऊं, ये कांग्रेस भी कम नहीं है और ये बीजेपी भी कम नहीं, ये दोनों ही खतरनाक है हमारे लिए। इस देश के अंदर जब जब जनता जगी है तो बड़ी बड़ी कांग्रेस भी कहती थी ना कि हम इस देश से नहीं जाएंगे, तो आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है? तो इसी तरीके से ये तो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इनकी कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी औकात नहीं है, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। आप देख लेना आने वाले समय के अंदर इनका कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा इसी देश के अंदर, और ये समय आ चुका है। देखिए देश के अंदर आप देख रहे हो लगातार बीजेपी की सरकार 6 साल से अलग अलग राज्यों में बनती जा रही है। अब सवाल यही आ रहा कि लंबे समय से किसान रोडों पर संघर्ष कर रहे हैं और 26 तारीख को जिस तरीके संविधान दिवस की बात आती है, उसी तरीके से लगातार किसान नेताओं को जिस तरीके से कल रात से ही लगातार पूरे हरियाणा के अंदर जिस तरीके से हमारे पास लोगों के फ़ोन आए हैं, हरियाणा के अंदर हिसार में हो, चाहे रोहतक में हो, रेवाड़ी में हो, गुड़गांव के अंदर हो, जो किसान नेता हैं, जो मजदूर नेता हैं, उनको लगातार छापेमारी करके गिरफ्तार किया जा रहा है। सरासर केंद्र सरकार जो बीजेपी सरकार है और हरियाणा के अंदर भी जो बीजेपी सरकार है, उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से किसान नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर न पहुंच जाए। क्योंकि अगर ये मामला पंजाब से भी किसान आ रहे हैं, इधर यूपी से भी आ रहे हैं और इधर हरियाणा के भी और राज्यों से भी आने की संभावनाएं हैं, लेकिन इन्होंने पूरी अपनी चाक चौबंद कर लिया है रास्ते के, हमारे को किस कुछ भी शाम दंड भेद अपनाना पड़े, कितने ही किसान नेताओं को, कितने ही मजदूरों को हमने जेलों के अंदर डालना पड़े। आज तारीख 24 है, एक दिन बीच को है, और आप देख सकते किस तरीके से उन नेताओं को जो ना हवालातों के अंदर बंद किया जा रहा है। अभी तो समय है। तो क्या जो 26 तारीख को कॉल दी गई है किसानों द्वारा या और जो संगठन द्वारा, क्या इससे सरकार डर गई है? नहीं, सरकार को डरना पड़ेगा। अभी सरकार को लग रहा है, अभी सरकार देख रही है कि किस तरीके से पंजाब से जो किसान आ रहे हैं वो उनकी कितनी संख्या होगी, हरियाणा से किस हिसाब से लोग निकल रहे हैं और यूपी से, तो सरकार को तो डरना पड़ेगा, इसमें कोई दोरा नहीं है। तो तभी गिरफ्तारियां हो रही हैं किसान? हाँ, तभी गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये संभाविक है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाए और देश के अंदर दहशत फैलाई जाए। आप देख रहे हैं ना, ये दहशत ही थी कि यूपी के बिहार के अंदर अभी चुनाव हुआ, तो चुनाव के अंदर किस तरीके से मीडिया को पहले ये कहा गया कि भाई आरजेडी जीत रही है, गठबंधन जीत रहा है, और उसके बाद में जैसे 12 बजे के बाद में इनपुट आते हैं कि भाई मामला सारा ही बदल चुका है। नहीं, वो तो रुझान होते ना, वो तो कभी किसी नहीं रुझान नहीं है, ये उनकी एक माइंड सेट है। वो पहले इस बात को बताते हैं कि इनको एक बार उछलने दे, वो वहां तक उसको सीमित रखते हैं, और जैसे ही उनके पास अपनी बारी आती है, अपना समय आता है, तो उस हिसाब से वो अपने सारी चीजों को कैप्चर कर लिया। बीजेपी कहती है कि आप लोग हारने के बाद आप लोगों की ये बौखलाहट है, कभी ईवीएम का कहते हैं, कभी चुनाव आयोग ने धांधली कर दी, ये आपकी बौखलाहट है हारने के बाद?
बीजेपी के बिल्कुल गलत आरोप हैं, कोई बौखलाहट नहीं है। आप कहीं से भी कोई भी वहाँ की फोटेज उठा के देख लें, कहीं भी 2 से 2500 लोग प्रधानमंत्री की सभाओं में नहीं हैं। इतनी लंबी चौड़ी भीड़ थी, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे वहाँ इन्होंने, चाहे नौकरी देने की बात आई हो, चाहे रोजगार की बात हो, बहुत सारे तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन लास्ट में क्या किया इन्होंने, लास्ट में जाकर के देर रात 5 बजे जिस तरीके से मीटिंग करी है, और मीटिंग करके इन्होंने कह दिया इधर काउंटिंग चल रही है, बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है, और उधर से घोषणाएं कर दी हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं तेजस्वी की भी और गठबंधन की भी कहीं ना कहीं कमजोरी रही है, कि मैं खुले आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ आप देश की जनता को, कि अगर 5 बजे के बाद जो घटना हुई थी, अगर जो जनादेश था महागठबंधन के पास, क्योंकि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन में कोई नुकसान नहीं होता है, तो क्या उस दिन बिहार के अंदर जो मेन मेन जो जगह थी वहां पर लोग खड़े होकर विरोध करते, तो इनकी ताकत नहीं थी कि सत्ता में आज मुख्यमंत्री बना करके और बीजेपी सरकार बना लेती। वो बड़े शातिर हैं, जहां काउंटिंग होती है, काउंटिंग पे गिनती के 10 से 15-20 लोगों को बुलाया जाता है, 5-5 लोग होते हैं अलग अलग पार्टियों से, और वहां का प्रशासन इतना स्ट्रिक होता है कि डिले करेगा आपको, इतना डिले करेगा कि जितना 7, 8, 9, 10 जितनी पब्लिक छटती रहेगी, और 10 बजे 11 बजे आपको लग गया कि आप बिल्कुल हमारे कंट्रोल स्थिति में हैं, तो उसी टाइम उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देगा। 26 तारीख को जो ईवीएम के विरोध में देश भर में जो आंदोलन होने वाले हैं, दिल्ली की तरफ जो किसान भी आ रहे हैं जी, क्या इस ईवीएम में कारगर साबित होंगे, सरकार पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि चुनाव आयोग तो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, उसने तो कई बार चैलेंज भी दिया कि ईवीएम हैक करके दिखाइए हमारी। देखिए समय समय पे ईवीएम हैक करके भी दिखाई गई है। देखिए सरकार ये बात बिल्कुल गलत कह रही है, विरोधी ये किसान विरोधी बिल है, क्योंकि समय समय पर हर आदमी जो किसान नेता हैं वो बता रहे हैं इसको, और लगातार इतने लंबे समय से आप देख रहे होंगे हर जगह पे जो है ना लॉकडाउन होने, लॉकडाउन की परिस्थिति में लोग जो है ना रोडों पे निकल रहे हैं, और उसके बाद में जंतर मंतर पे आके ना लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, और 26 तारीख की कॉल दी जाती है, तो आज तो 2 दिन बचे हुए हैं, तो सरकार को तो सीधा सीधा डर सता रहा है कि सरकार बिल्कुल डरी हुई है, और लोगों को इस बात के लिए और सचेत रहना चाहिए कि हमने इस सरकार को जड़ से जल्दी उखाड़ के फेंकना। जब तक इस देश के अंदर मजदूर और किसान जब वो जब तक आगे नहीं आएगा, जब तक वो सत्ता में नहीं बैठेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आज तक हमारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि इस रोड पे 500 गज का अगर हमारे को टेंडर मिले रोड बनाने का, लाइट लगाने का, सीवर लगाने का, तो हम अपने लोगों को करोड़ों रुपए के अंदर उसको खिला पिला सकते हैं, करोड़ों रुपए की उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो हालात कर रखी है, आज हमारी जो सोच इन्होंने जो बना के रख दी कांग्रेस और बीजेपी ने, हम 20,000 से 15,000, 25,000, 30,000 से ज्यादा हमारी सोच ही नहीं है, क्योंकि हमारे को इतना यातनाएं दी गई हैं, इतना सताया गया है कि हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए 26 तारीख को जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ईवीएम को लेकर के आ रहे हो, और आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं, दूर दूर देश दराज का कोई भी आदमी साथी है, आप आज ही चलिए, और दिल्ली में जहाँ आपका ठिकाना है वहाँ रुकिए, आपको हर जगह कहीं ना कहीं ठिकाना मिलेगा, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किसी भी तरीके से दिल्ली में आइए, और इस देश के अंदर इस सरकार को बताइए कि तुलकली फरमान पत्र, ये तुम्हारी जो गुंडागर्दी है, दादागिरी इस देश में नहीं चलने वाली है, ये बहुत कुछ आप कर चुके हो। आज आप देख लीजिए यूपी के अंदर क्या हो रहा है, ओबीसी के लोगों को हर जगह जगह दी जा रही है, क्योंकि सरकारों को यह पता हो चुका है जो बड़ा धरा है इस देश के अंदर ओबीसी का, वो जिस दिन अगर जग जाएगा तो कांग्रेस और बीजेपी का पतन होने वाला है इस देश के अंदर, और वो शुरुआत हो चुकी है। अब आप हर जगह, आप किसी भी जगह पर देख लीजिए, कांग्रेस और बीजेपी को लगातार लोग बीजेपी के अंदर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको छोटा मोटा लालच दिया जा रहा है, और वो लालच मैं बता रहा हूँ वो 20,000 और 30,000 रुपए तक का लालच है। इस लालच से हमारा पेट नहीं भरने वाला, हमारे को इस देश के अंदर सत्ता चाहिए, इस देश के अंदर पेट्रोल पंप चाहिए, इस देश के अंदर गैस एजेंसी चाहिए, रोडों के टेंडर चाहिए, सीवरेज के टेंडर चाहिए, बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो जब तक हमारे पास नहीं आएंगी, जब तक हम सत्ता के अंदर नहीं आ सकते।